10 साल हो गए इसको, कर्जा माफ हमने किया था किसानों को। अब ये कह रहे हैं हम सारी फसलों पे एमएसपी दें, मुख्यमंत्री कहेंगे उनकी क्या भाई, या तो लीगल गारंटी दे जो एमएसपी से कम करे उसकी सजा हो। चुनाव को देखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, किसान समझ चुके हैं कोई कर्जा माफी नहीं किया। 10 साल हो गए इनको, कर्जा माफ हमने किया था किसानों को, बिजली के बिल हमने माफ किए थे, इनने कोई माफ नहीं किया। जो एमएसपी है वो भी हरियाणा में किसानों को नहीं मिल रही। अब ये कह रहे हैं हम सारी फसलों पे एमएसपी दें, मुख्यमंत्री कहेंगे उनकी क्या भाई, या तो लीगल गारंटी दें जो एमएसपी से कम करे उसकी सजा हो, फिर तो हम माने देंगे लीगल गारंटी। सिर्फ चुनाव को देख कर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, किसान समझ चुके हैं। ये जो पहले 3 कानून लाए थे किसान विरोधी, किसानों के विरोध के बाद इनको वापस लेना पड़ा, किसान समझ चुके हैं ये सरकार किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी किसी की नहीं है, कोई नहीं, सब समझते हैं। ये घोषणाएं। अरे ये जो मैं देख रहा हूँ ना, हमारा हरियाणा है और वो क्या है, नॉन स्टॉप हरियाणा, उसमें आज का ही देख लो, कल का देख लो, क्या दिखा रखा है कि हमने आईआईटी एक्सटेंशन, फलानी चीज, सब ये फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये सब दिखा रखे हैं। क्या है वो, किसके समय के हैं? एक भी संस्थान ये अपने समय के बता दें। झूठी घोषणाएं और लोग इस पे विश्वास नहीं करते, इस सरकार से विश्वास लोगों का उठ चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।